ये शादी नहीं हो सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे आने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना। यहाँ आने के लिए हिम्मत की नहीं, वजह की जरूरत थी सर। वजह मुझे मिल गई है आगे। वजह सबके सामने बताओ। कुछ बात करनी है तुमसे। अच्छा? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। इस तरह से प्रज्ञा आई है, अब ये शादी नहीं होगी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। हाँ बोलिए मिसेस प्रज्ञा मेहरा, आपने हमें बुलाया, हम आ गए। बताइए कौन है वो औरत जो आपकी शादीशुदा जिंदगी में दूसरी औरत बनी बैठी है? कौन है वो जो आपके डिवोर्स के बिना आपके पति से शादी कर रही है? ये रही वो, और वो रहे मेरे पति। तो बताइए किसकी हालत पहले खराब करनी है? हालत तो उसी की खराब होगी जो सामने आए। जो पीछे हट जाएगा वो बच जाएगा। देखिए मैम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये जो कुछ भी बोल रही है एकदम सब कुछ झूठ। अरे इसका तो डिवोर्स हो चुका है भाई के साथ। झूठ सच क्या है वो हम देख लेंगे मैडम जी, आप जरा साइड हट जाइए वरना दुल्हन से पहले हमें आपसे निपटना पड़ जाएगा। ये शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मेरा और इनका कभी डिवोर्स हुआ ही नहीं था। जो पेपर्स मैंने साइन किए थे वो वैलिड नहीं थे। तुमने खुद साइन किए थे। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज सबको सब कुछ क्लियर कर देंगे। देखिए जिन डिवोर्स पेपर्स पर इन्होंने साइन किए थे वो ओरिजिनल तो थे, लेकिन उस वक्त ये होश में नहीं थी। और कानून के मुताबिक किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले आपका होश में रहना बहुत जरूरी होता है। उस रात जब इन्होंने ड्रिंक की थी तो उसमें किसी ने नशा मिला दिया था, और नशे की हालत में ये पूरे अपने होशोहवास में नहीं थे। झूठ है ये, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती हो? तुम वहां थी उस रेस्टोरेंट में उस रात, या फिर कहीं तुमने मेरे ड्रिंक पे नशा नहीं मिला? अच्छा तुम कुछ भी कह सकती हो, तुम जो बोलोगे हम मान लेंगे। मत मानो, लेकिन ऊपर वाले की तो माननी पड़ेगी। ऊपर वाला? सीसीटीवी कैमरा। मेरे पास उस रात की सीसीटीवी फुटेज है उस रेस्टोरेंट की जहां हम गए थे। वो देख लो। भैया जी, ये शादी कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि शादी कैंसिल करने के लिए कोई ठोस सबूत या गवाह चाहिए होगा। आप ठोस सबूत या गवाह लेकर आइए, फिर शादी कैंसिल की बात कीजिए। मैं जानती थी कि आप जैसा लॉयर कुछ ऐसा ही कहेगा, इसलिए सबूत और गवाह दोनों मैं अपने साथ लेकर आई। मिस्टर योगेश, जरा संतोष को बुलाइएगा। संतोष, संतोष जरा सबको बताओ कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन मैं, अभी सर और मैम उस रेस्टोरेंट में आए थे। जी हाँ, उस रात मैंने इनकी ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई थी। क्यों मिलाई थी? क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। तो कहा था कि प्रज्ञा की साइन
वैलिड है, हम कोर्ट में भी साबित कर सकते हैं, तो फिर ये शादी नहीं पोस्टपोन होगी, नहीं कैंसिल। या दैट्स राइट, परफेक्ट। तो लाइए वो पेपर्स और मारिए इनके मुंह पे और भगाइए इनको यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, क्या हम एक बार पेपर्स देख सकते हैं प्लीज? या श्योर। आई एम सॉरी, गलती हमारी है। ये शादी पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए, ये शादी कैंसिल भी नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली ये शादी कभी हुई नहीं थी, तो जो हुई नहीं थी वो कैंसिल कैसे हो सकता है? क्यों होगा? वैसे सबसे बड़ी गलती तो आलिया और तनु की। मैं तुम दोनों को काफी स्मार्ट समझता था, काफी होशियार समझता था। इतने प्लान्स बनाती हो, इतनी प्लानिंग करती हो, तो ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, मतलब इतनी बड़ी गलती। जिस पेपर्स के पीछे तुम अभी से शादी करने वाली थी, तुमने उसी के साथ, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू तनु, मतलब इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तुमने, हमें समझ नहीं आया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास ये पेपर्स कर रहे। एक बार ध्यान से पढ़ के देखो। प्रज्ञा का नाम होना चाहिए था, उसके साइन होने चाहिए थे वहां पे, तो तनु के साइन है। इसे कहते हैं चट शादी पट तलाक। जीती रहे मेरी बच्ची, पर मैं हैरान हूँ तूने ये सब किया कैसे? सुबह मैंने देखा था तेरी ये हालत थी कि तुझे बात तक नहीं हो रही थी, अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे तूने एक किले पर चढ़ाई कर दी। दादी, दरअसल जिस दिन मुझे पता चला था ना, मैंने नशे की हालत में डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया, तभी मुझे शक हुआ था कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं उस रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास गई थी, उसे मैंने तनु की फोटो दिखाई और पूछा कि तनु उस रात वहाँ थी या नहीं। जब उस मैनेजर ने कहा कि तनु उस रात वहीं थी, मेरा शक यकीन में बदल गया था। मुझे लगा कि जरूर उसने कुछ गड़बड़ की। फिर मैंने उस मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि किसी भी तरीके से उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मुझे दे दे। मैडम, मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और फिर जब आज आप लोग मंदिर आए, तब उस मैनेजर का फोन आया कि उस दिन की सीसीटीवी फुटेज उसे मिल गई है। तो मैं उस रेस्टोरेंट में गई और फिर उस वेटर से भी मिली जिसने मेरी ड्रिंक में नशा मिलाया था। उसने कबूल किया दादी कि तनु ने उसे पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए, और वो पुलिस के सामने बयान देने के लिए भी तैयार था, बशर्ते उस पर कोई केस ना हो। फिर क्या था, मैंने एनजीओ की लेडीज को फोन किया, पुलिस को फोन किया कि ताकि वो मेरी मदद कर सके इस शादी को रोकने के लिए। फिर सबको इकट्ठा करने में इतना वक्त लग गया कि मैं आपको फोन करके सब कुछ बता ही नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटा, तूने अपना काम किया है, तूने अपने सुहाग के साथ साथ ना अभी की जिंदगी भी बचा ली है, मेरा खानदान को तूने शर्मिंदा होने से बचा लिया है। प्रज्ञा मेरे पीछे ही पड़ गई, कभी तो सोचती कि अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती ना तो ये तो मुझे मार ही डालना चाहती थी, पर अब मुझे मौका मिला, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यू नो व्हाट तना, मैं अब प्रज्ञा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, नफरत है मुझे उसे, मन करते उसका खून ही कर दूं। और हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सोचना होगा ताकि हम उसे परमानेंटली अपनी लाइफ से बाहर निकाल सके। ऐसी हालत कर दूंगी ना उसे, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ठीक है आलिया, तो जो भी करना है जल्दी करो। प्रेगनेंसी के मुश्किल के 7 महीने तो निकल गए, लेकिन प्रज्ञा के काम के 7 दिन भी नहीं निकले। पहले तो सिर्फ शादी करने से रोक रही थी, और फिर शादी के मंडप से उठा ली मुझे। तनु, तुम्हारी शादी उसकी बर्बादी की तरफ पहला स्टेप, और उसने वही स्टेप को बर्बाद कर दिया। समझती क्या अपने आप को? हमें जल्दी कुछ सोचना होगा, उसे इस घर से बाहर निकालना होगा। आई कांट टॉलरेट हर एनीमोर, नफरत है मुझे उससे और जान लेने का मन करता है। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे प्रज्ञा मेरे खिलाफ कुछ प्लान न कर पाए। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।